भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक राजधानी के राजीव भवन में रखी गई। इसमें कांग्रेस ने भानु प्रतापपुर सीट के लिए 14 लोगों के नाम हाईकमान को भेजे। हाईकमान के फैसले के बाद प्रत्याशी के नाम पर मोहर लगेगी। बता दें कि 15 नवंबर तक प्रत्याशी के नाम घोषित होने की संभावना है। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया सहित कई प्रमुख नेता शामिल हुए। आज महत्वपूर्ण, एक तो आज कार्तिक पुन्नी मेला, दूसरा आज गुरु नानक देव की जयंती प्रकाश पर्व के रूप में मना रहे हैं। कांग्रेस भवन में 3 महत्वपूर्ण कार्य हुए, एक तो किसान कांग्रेस यहां से निकले दंतेवाड़ा तक की यात्रा, दूसरा युवक कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद पहली बार बैठक आहूत की गई, और तीसरा महत्वपूर्ण है प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई, जो भानु प्रतापपुर विधानसभा में जो उपचुनाव होने वाला है उसके बारे में बैठक आयोजित की गई है। 14 नाम आए हैं और इसमें 14 नाम सभी को पुनिया जी को हमने सौंप दिया है पीसी ने, और हाईकमान को अधिकृत किया है कि उसमें वो निर्णय ले। आज प्रदेश चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नाम पर विचार किया गया है। भानु प्रतापपुर विधानसभा से 14 नाम आए हैं, 14 नामों पर विचार किया गया और निर्णय लिया गया कि फिर से 14 नामों पर हम सर्वे कराएंगे। संगठन भी सर्वे करा रहा है, सरकार भी सर्वे करा रहा है, उसके बाद हम उन नामों पर सर्वे के आधार पर उन नामों पर चुनाव समिति मुहर लगा के हाईकमान को अनुमति के लिए भेजेगी।